देखिए कर्नाटक तो झांकी है, लेकिन सिर्फ महाराष्ट्र बाकी नहीं है, कर्नाटक तो झांकी है और पूरा हिंदुस्तान बाकी है, पूरा देश बाकी है। कर्नाटक ने एक ऐसा दरवाजा खोल दिया है देश के लिए कि कर्नाटक की सामान्य जनता ने दिखाया है कि यहां की सामान्य जनता, देश की सामान्य जनता तानाशाही का पराभव कर सकती है, पराजित कर सकती है। जो 1978 में हो गया था, यही आप कर्नाटक से शुरुआत हो गई है, इसलिए हमने कर्नाटक की जनता का अभिनंदन किया। जिस तरह से हमने देखा कि कर्नाटक चुनाव में केंद्र मंत्री हो, मोदी हो, प्रधानमंत्री जी, और उन्होंने बजरंग बली का भी नाम जिस प्रकार से, देखिए बजरंग बली ने तो प्रचार में जरूर हिस्सा लिया, लेकिन उनका प्रचार रहा जनता के साथ। कांग्रेस जीत गई उसका मतलब बजरंग बली बीजेपी के साथ नहीं था, बजरंग बली कांग्रेस के साथ रहा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बजरंग बली को लाया प्रचार में। हमारे गृहमंत्री बोल रहे थे अगर बीजेपी हार गई तो दंगे हो जाएंगे, कर्नाटक तो बहुत शांत है और खुश है, आनंद मना रहा है, कहां है दंगे? आप धमकियां दे रहे थे, आपका पूरा कैबिनेट वहां बैठा था, क्या हो गया? जनता के सामने आपका कुछ नहीं चला, जनता ने आपको पराजित किया है। मान के 2024 की तैयारी शुरू हो चुकी है, 2024 की तैयारी हो चुकी है। आज महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की प्रमुख लोगों की बैठक है शरद पवार जी के नेतृत्व में, और हम एक साथ बैठकर 2024 के तैयारी के बारे में आज हमारी बातचीत। जिस प्रकार से ये चल रहा था कि मोदी लहर बरकरार है 2024, ये लहर बहर कुछ नहीं होती है, अब हमारा बहर आ जाएगा, ये लहर बहर सब खत्म है। सर सर एक और सवाल जानना चाहिए, जिस प्रकार से महाराष्ट्र के नेता उदय सामंत कह रहे थे कि कांग्रेस हो या एनसीपी या शिवसेना, उनके कुछ विधायक हमारे संपर्क में, उनके इस बयान के किस तरह से, आप प्लीज कितने आते हैं और आपके पास कितने बसते हैं वो आने वाले दिनों में समझ जाएगा। ये किसको बोल रहे हैं आप? ये पूरे करप्ट लोग हैं, महाराष्ट्र को पूरा भ्रष्ट बना दिया है ये लोग, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय उनके खिलाफ गया है, फिर भी आप भूल पिट रहे हैं, आने वाले दिनों में पता चलेगा उनको क्या होगा। महाविकास आघाड़ी की बैठक आपने बताया, इस बैठक में कौन कौन हिस्सा लेंगे, क्या? देखिए शरद पवार जी के लीडरशिप में ये बैठक हो रही है, उसमें उद्धव ठाकरे जी है, मैं खुद भी रहूंगा, नाना पटोले जी रहेंगे, अशोक चौहान रहेंगे, बाला साहेब थोरा सेल के लीडर वो रहेंगे, अजीत दादा रहेंगे, पवार पार्टी के अध्यक्ष उनके जयंतराव पाटिल भी रहेंगे। सर जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया जो इलीगल साबित है, उसको अब वो पूरा जो मामला है सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के ऊपर छोड़ दीजिए। देखिए ये 10th शेड्यूल में जो प्रावधान है उसके हिसाब से ये मामला स्पीकर के पास जाता है, लेकिन ये मतलब ये नहीं कि स्पीकर कानून और संविधान को तोड़कर कुछ निर्णय ले। दिशा निर्देश दिया है सर्वोच्च न्यायालय ने क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो ये विधानसभा के स्पीकर अपने आप को अगर कोई निजाम समझता होगा कानून का तो एक गलत है, उनको कानून के दायरे में ही निर्णय देना पड़ेगा। क्या उम्मीद है सर कि फैसला जल्द से जल्द होगा, क्योंकि हालांकि वो कह रहे हैं 3 महीने के अंदर फैसला होना चाहिए। नहीं सर, तो अरे ये तो उनको करना पड़ेगा, क्यों नहीं करेंगे? देश में आज भी सर्वोच्च न्यायालय ऊपर बैठा है।